ठीक है, तो ये अपनी धरती माँ, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं सनरेज अर्थ पर पड़ रही है ऐसा, ठीक है, क्या रहेगा ये हिस्सा, मैं इसको शेड कर देता हूँ येलो पेन से, ये यहाँ पर दिन है, दिस इज़ सनलिट, ठीक है, ये डे वाला पोर्शन है, और जो ये पोर्शन है इसको अब मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, दिस इज़ नाइट, अर्थ के इस हिस्से में है ना रात है, और जो येलो वाला पोर्शन है वहाँ पर दिन है। अच्छा, तो ये जैसे ये वाली जो चीज़ है ये कैसा है, मिडिल ऑफ नाइट है, ये मिड नाइट है, ये यहाँ पर मिड नाइट है ना, रात के 12 बजे ऐसा, और ये वाली चीज़ कैसा है, ये आफ्टरनून है एकदम, मिडिल ऑफ डे, मिड डे, ठीक। अच्छा ध्यान से समझो, मान लेते हैं ये मेरा सैटेलाइट का पाथ है, ठीक है, अभी देखो सुनो, दूसरा डायग्राम यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, लेट्स से दिस इज़ द पाथ ऑफ द सैटेलाइट, ऐसा कुछ, दिस इज पाथ ऑफ सैटेलाइट, अच्छा, तो होता दरअसल ये होगा, होगा दरअसल ये कि सन से जो भी लाइट रेज निकलेंगी सैटेलाइट पर गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर अगर तुम्हारी आंखों में अगर पहुंचती है तो तुमको जो सैटेलाइट है वो दिखाई देगा, ठीक है ना भाई, कोई भी चीज़ अपने को क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज हमारी आंखों में जब जाती है, ये सारी चीज़ें तो अपना 9th-10th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एंटर्स अवर आई, एंटर अवर आई, ठीक है ना। तो कौन कौन सी ऐसी पोजीशन पर जब तुम रहोगे है ना अर्थ पर, तुम कहाँ कहाँ पर रह सकते हो जब तुम्हें वो सैटेलाइट दिखेगा, ये सबसे अहम सवाल है। तो सवाल अच्छा है, मतलब ठीक है, ये अच्छा सवाल है। तो अगर तुम यहाँ पर हो, लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पर अगर तुम हो, यहाँ पर कहीं अगर तुम हो, मतलब डे वाले पोर्शन पे अगर तुम हो, तब तुमको सैटेलाइट नहीं दिखाई देगा, इसीलिए बिकॉज जो भी सैटेलाइट से रेज रिफ्लेक्ट होंगी है ना, वो बाकी के ब्राइटनेस में एक्चुअल में तुम उसको देख नहीं पाओगे, है ना, ब्राइट है ना माहौल, बहुत ही ब्राइट है, एनवायरनमेंट पूरा ब्राइट है तुम्हारे पास, तो उस ब्राइटनेस में, दिन के उजाले में एक्चुअल में वो सैटेलाइट दिखेगा नहीं तुमको, ठीक, क्योंकि बाकी रे ऑफ लाइट भी आ रही है और उसके साथ ही साथ वो सैटेलाइट वाली रे ऑफ लाइट भी आ रही है, तो बाकी सारी रे ऑफ लाइट के बीच में वो तुमको विजिबल नहीं होगा, समझे, मतलब पूरा अगर दोपहर का टाइम है अगर, तो उसमें सैटेलाइट तुमको नहीं दिखेगा, बिकॉज़ उस वक्त जो सनरेज हैं वो भी तुम्हारे आंखों में घुस रही होंगी, ठीक, तो उस ब्राइट वाले वातावरण पे, एक ऐसा उस ब्राइट वाले एनवायरनमेंट में एक्चुअल में सैटेलाइट तुमको विजिबल नहीं रहेगा। सैटेलाइट के विजिबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि सनलाइट तुम तक नहीं पहुँचे, बट जो सन से जो लाइट रेज निकल कर सेटेलाइट पे टकरा रही हैं और फिर उसके बाद वो वाली जो रेज़ हैं बस वो अगर तुम्हारी आंखों तक पहुंचेगी तब तुमको एक्चुअल में सेटेलाइट दिखाई देगा, ठीक है, मतलब तुम्हें दिन वाले पोर्शन में अगर तुम खड़े हो तो फिर वहाँ से सेटेलाइट तुमको नज़र नहीं आएगा, ठीक, मतलब सेटेलाइट सिर्फ तुम्हें जब तुम रात वाले पोर्शन पे खड़े रहोगे, मतलब आफ्टर द सन हैज़ सेट, तब तुम्हें सेटेलाइट नज़र आएगा, ठीक है। और हाँ, दो पोजीशंस ऐसी हो सकती है जब तुम्हें सेटेलाइट नज़र आएगा इसी के सिमेट्रिकल, जैसे अगर तुम मान लेते हैं कहीं यहाँ पर हो ऐसा, तो सन से जो भी लाइट रेज मान लेते हैं तुम्हारे पास आ रही हैं ऐसा कुछ, ये लाइट रेज आई ऐसी और फिर ये तुम्हारी आंखों में एंटर कर रही है ऐसा, ठीक है, तो तुम्हें वो सेटेलाइट फिर विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये कैसा, ये सनसेट वाली सिचुएशन है और ये यहीं पर आइडेंटिकल ये वाली सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रिपीट होगी, ये सनराइज़ वाली सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर हो या फिर तुम यहाँ पर हो, तब तुम्हें वो सैटेलाइट जो है वो नज़र आएगा। इस बात का ध्यान रखना कि डे वाले पोर्शन पे एक्चुअल में तुम्हारे पास लाइट रेज तो आती रहेंगी सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर, पर उसके साथ साथ बहुत सारी और लाइट रेज भी तुम्हारी आंखों में एंटर करेंगी, तो उतनी सारी लाइट रेज के बीच में तुम्हारी आंखें एक्चुअल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि कौन सा सैटेलाइट, वो फिर इनविजिबल दिखाई देगा तुमको, मतलब सैटेलाइट फिर दिखाई नहीं देगा तुमको,
ठीक है, डिस्टिंक्टिवली दिखाई नहीं देगा सेटेलाइट तुमको, है ना। सेटेलाइट को दिन में देखना बहुत ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम ये खुद सोचो कि अगर एक ही लाइट रे आ रही है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सेटेलाइट की वजह से, तो उसको देखना कितना आसान है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर टॉर्च है मान लेते हैं, अब टॉर्च को दिन में तुम टॉर्च जला के टॉर्च की लाइट तुमको नहीं दिखेगी, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर दिखेगी, ठीक है, बिकॉज उसके साथ साथ बाकी लाइट रेज भी तो आ रही हैं। पर अगर मान लेते हैं अंधेरे में अगर तुम टॉर्च अगर जलाते हो तो बाकी और कोई लाइट रेज नहीं आ रही है, सिर्फ टॉर्च की वजह से आ रही है लाइट रेज, तो फिर वो इट इज़ क्लियरली विजिबल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ सवाल अब ये है कि मान लेते हैं तुम यहाँ पर अगर कहीं खड़े हो, ठीक है, ये लेट से यहाँ पर तुम कहीं खड़े हो, तो उसके लिए जो मिनिमम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि लेट से मैं यहाँ पर कहीं हूँ तो ये कुछ ऐसा काम करूँगा मैं, ठीक है, मिनिमम हाइट के लिए आई विल टेक टेंजेंट, ठीक है, मैं सेंटर से ये इसको जोड़ देता हूँ, ये मैं ऐसा 90 डिग्री पर ऐसा देखूँगा ताकि मुझे मिनिमम हाइट मिल सके, क्योंकि इसके इस बियॉन्ड अगर मैं जाऊँगा तब तो भाई मेरे को दिख ही जाएगा सैटेलाइट, ठीक है। अगर मैंने ऊपर अगर उसको रखा और ज़्यादा, है ना, अगर मैंने हाइट अगर अल्टीट्यूड जो सैटेलाइट का है उसको अगर मैंने और ऊपर अगर रखा, है ना, इससे ज़्यादा हाइट पर अगर मैंने उसको रखा तब तो वो दिख ही जाएगा मेरे को। मेरे को वहाँ पर मिनिमम हाइट पूछी है, तो इन ऑर्डर दैट मिनिमम हाइट इज़ सेट, मुझे उसके लिए टेंजेंट वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मैं कितना इधर तक देख सकता हूँ, ठीक है, ये इधर तक इसको कितना ज़्यादा इस रे को इस तरफ टर्न कर सकता हूँ क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। ऐसे ही नीचे भी बन जाएगा एक और डायग्राम, तो एक एक तरफ से तुम निकाल लोगे, सिमेट्रिकल है ना सब कुछ, तो एक तरफ से निकाल लोगे तो उसमें कैलकुलेशंस पूरी पूरी हो जाएगी तुम्हारी। तो अब यहाँ देखो, ये वाली हाइट मैं मान लेता हूँ, लेट दिस हाइट बी एच, ये यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो, ये हाइट हो गई मेरी एच, दिस इज़ आर जो कि मेरे को दिया हुआ है 6400 है, ठीक। अब देखो इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट और है, तुम कहाँ पर खड़े हो, है ना, तुम कहाँ पर खड़े हो ये भी मायने रखता है। तो अपने को दिया ये है कि सनसेट होकर 2 घंटे हो गए हैं, ये आर है, ठीक है, ये आर है तुम्हारा, ठीक, तो सूरज को डूबे हुए 2 घंटे हो गए हैं, अब तुम कहाँ पर हो, ठीक है, ये भी एक अहम मुद्दा है। तो इसमें देखो क्या होगा कि ये पूरा नाइट का ड्यूरेशन है 6 घंटे, सॉरी 12 घंटे, है ना, हाँ 12 घंटे, ये बारह घंटे को डिनोट कर रहा है नाइट वाला पोर्शन। तो उसमें 2 घंटा यानी कितना होगा, छठा हिस्सा, ये पूरा 180 डिग्री है तो छठा हिस्सा 180 डिग्री का कितना होगा, 30 डिग्री, समझ रहे हो। तो ये हो जाता है तुम्हारे पास एंगल कितना है, 30 डिग्रीज। तुम कहाँ पर अभी लोकेटेड हो, अगर मान लेते हैं सनसेट को हुए 2 घंटे अगर बीत चुके हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है तुम 30 डिग्री वाले, इसको को लैटीट्यूड भी कहा जाता है, इसको को लैटीट्यूड भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होता है उसको लैटीट्यूड बोलते हैं, इसको को लैटीट्यूड भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा को लैटीट्यूड कितना रहेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री को लैटीट्यूड पर जो इंसान है उसके लिए सूर्यास्त को होकर 2 घंटे हो चुके हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर तुम को लैटीट्यूड बराबर 30 डिग्री के एंगल पर अगर हो, देन उसी व्यक्ति के लिए जो सूरज डूबा है वो 2 घंटे से डूबा है, क्योंकि अगर पूरे 12 घंटे अगर डूब जाएगा तब तो ये पूरा ही वो वाला व्यक्ति यहीं जस्ट सुबह हो जाएगी, फिर तो ये यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके लिए सूरज डूबना भी शुरू हुआ है, और यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके लिए सूर्योदय होना शुरू हुआ है, सनराइज़ यहाँ वाले व्यक्ति के लिए शुरू हुआ है और यहाँ पर सनसेट होना शुरू हुआ है व्यक्ति के लिए। तो ये वाला जो पर्सन है, फॉर दिस पर्सन, उसके लिए सनसेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और जैसे अगर यहाँ अगर 30 डिग्री वाला जो इंसान रहेगा, यहाँ वाला तो 30 डिग्री पर जो व्यक्ति रहेगा, उसके लिए सनराइज़ होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, ठीक है, क्या उसको भी दिखाई देगा सैटेलाइट, ठीक है। तो सवाल की लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकता था वो कि सनसेट होने के बाद
कुछ टाइम तक सैटेलाइट दिखाई देता है, या फिर सनराइज होने के जस्ट पहले भी सैटेलाइट दिखाई देता है, ऐसा भी वो बोल सकता था। अब इसके बाद तो वो सादा तुम्हारा दसवीं वाली ज्योमेट्री है, बहुत ही सिंपल और प्लेन, कुछ ऐसा है डायग्राम, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ये एच प्लस आर हो गया, ठीक, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ये तुम्हारा आर हो जाता है, ठीक बात। तो इससे मैं एच तो बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ, कोसाइन ऑफ 30 दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/√3, यानी एच अपॉन आर प्लस 1 2/√3, तो इससे मेरे पास एच की वैल्यू आ जाती है 2/√3 माइनस 1 टाइम्स एच, सॉरी आर, तो 2/√3 अगर मैं निकालूं, 2 - √3/√3, ठीक है, टाइम्स आर। अब इसको इवेलुएट अगर करना है, इससे तुम आंसर निकाल लेना, इससे आंसर आ जाएगा अगर एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन अगर ये चीज़ करनी हो तब इस तरह से कर सकते हो तुम। ये देखो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दो तो 2√3 - 3/3 टाइम्स आर, है ना, 6400, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, टू बाय रूट थ्री अगर तुम करते हो ना तो वो ज़्यादा आसान गिरेगा तुमको। इसको ऐसा करो, टू बाय रूट थ्री को तुम ऐसा कर लो, 2√3/3 - 1 × 6400, तो ये चीज़ ज़्यादा आसान आएगी तुमको। तो 2 × √3 हो जाता है तुम्हारे पास 1.732/3, है ना, तो ये हो जाएगा 4/6 इतना, ठीक है, इसको कर लो 1.1547, ऐसा कर लो इसको, माइनस वन करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.15467 × 6400, तो ये हो जाता है 15.467 × 64, ठीक, ये आ जाता है एच की वैल्यू, कितना आ रहा भाई करके देख लो, तो अप्रोक्सीमेटली 900 किलोमीटर के आसपास आएगा, क्योंकि 15690 होता है ना, तो उसके हिसाब से लगभग 900 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो जो तुम्हारा ऑप्शन है 990 किलोमीटर वाला, वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, करके अगर देखोगे तो आंसर के देख लेते हैं, करके देख लेते हैं फिर, पूरा कोई इशू नहीं। तो 64 सेवनजा कितना हो गया भाई, 7 × 4 = 28, 2 = 448, 44 कैरी, अब 64 सिक्सा, कैलकुलेशन स्लो हो गई यार मेरी, 384 + 44, तो 388 + 40 हो जाता है 428, है ना, 428 यानी 42, 64 फोरजा 16 256 256 + 42, तो 298 हो जाएगा, ठीक है, तो 298 तो 29, 64 × 5 = 320 349 हो जाता है, 9 = 34, 64 + 34 = 98, ठीक है, 989.88 आ रहा है, यानी 990 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज़ द आंसर। ये कैलकुलेशन पर ज़्यादा भरोसा मत करना, मैंने ओरली किया और उसमें हो सकता है कि थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, इस पर ज़्यादा भरोसा मत करियो,
कहीं पर हो सकता है डेसिमल प्लेस वगैरह में कहीं कुछ इशू आ गया हो, ठीक है। खैर तो 990 तुम्हारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है, ओके।